दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर पिटबुल और जर्मन शेफर्ड अगर ये दोनों डॉग की लड़ाई हो जाए तो इसमें से कौन सा डॉग जीतेगा। इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि अगर ये दोनों डॉग की लड़ाई हो जाए तो इसमें से कौन सा डॉग जीतेगा। अगर आप पिटबुल सोच रहे हो तो आपका जवाब गलत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, आप देख रहे डॉग्स बायोग्राफी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। इस वीडियो में मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि फाइट में इम्पॉर्टेंट होते हैं और उस पॉइंट को देखते हुए ही विनर डिसाइड होगा। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डॉग की बाइट फोर्स। तो बात करें जर्मन शेफर्ड की, तो जर्मन शेफर्ड का बाइट फोर्स है 238 पाउंड। बात करें अब पिटबुल की, तो पिटबुल का बाइट फोर्स है 235 पाउंड। मतलब इस पॉइंट में जर्मन शेफर्ड जीतता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है एक डॉग का अग्रेसिव लेवल। तो जर्मन शेफर्ड का जो अग्रेसिव लेवल है वो रहता है अटैक मोड, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ मिलिट्री जर्मन शेफर्ड की, जिसको ट्रेनिंग मिलती है मिलिट्री से, ठीक है। तो अब हम बात करें पिटबुल की, तो पिटबुल का अग्रेसिव लेवल हाई है, ठीक है। हाई होने में और अटैक करने में दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो इस पॉइंट में दोनों इक्वल मान लो आप लोग। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है टेक्निक, मतलब अपने से सामने वाले डॉग को मारने की टेक्निक। तो जर्मन शेफर्ड, मिलिट्री जर्मन शेफर्ड का जो टेक्निक लेवल है वो है मीडियम। बात करें पिटबुल के टेक्निक लेवल की, तो पिटबुल का जो टेक्निक लेवल रहता है वो हाई रहता है। आप लोग सोचते हो कि भाई अगर पिटबुल का फाइट होगा तो पिटबुल फाड़ देगा, ठीक है। आप लोग ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि पिटबुल का अपने से सामने वाले डॉग को मारने का टेक्निक लेवल से, पिटबुल जो डॉग है सामने वाले डॉग के गर्दन में अटैक करता है, इसी कारण वो डॉग उसको काट नहीं पाता, इसी कारण उसका टेक्निक लेवल हाई है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट है अपना हाइट। तो जर्मन शेफर्ड का जो हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर। अब बात करें पिटबुल की, तो पिटबुल का हाइट है 45 सेंटीमीटर से 53 सेंटीमीटर। इस पॉइंट में जर्मन शेफर्ड जीतता है। अब बात करते लास्ट पॉइंट की, वो है वेट। तो जर्मन शेफर्ड का वेट होता है 30 किलो से 40 किलो। बात करें पिटबुल की, तो पिटबुल का वेट होता है 15 किलो से 27 किलो तक। अब बात करते हैं ओवरऑल विनर। तो ओवरऑल विनर है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट आप लोग लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताओ कि आपको अगले वीडियो में कौन से दो डॉग की फाइट देखनी है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो ओवरऑल विनर है यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, पिटबुल, ठीक है। लेकिन जर्मन शेफर्ड यहाँ पर हारा नहीं है, इसको तुम हारना नहीं बोलते। अब बात करते हैं रेशियो की। तो रेशियो ये है कि 40% जीतने के चांसेस है जर्मन शेफर्ड के और 60% जीतने के चांसेस है पिटबुल के, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे पॉइंट में जर्मन शेफर्ड जीता है, लेकिन पिटबुल का जो टेक्निक लेवल हाई है इसके कारण पिटबुल ओवरऑल विनर बनता है। मैंने यहाँ पर रेशियो में इसलिए बोला है क्योंकि अगर 2 साल के जर्मन शेफर्ड के सामने अगर 1 साल का पिटबुल या 9 महीने का या 8 महीने का पिटबुल आ जाए तो इतना मैच्योर नहीं हुआ होगा, और मैच्योर नहीं हुआ मतलब उसके पास टेक्निक नहीं है, तब जर्मन शेफर्ड जीत जाएगा। इसी कारण मैंने रेशियो में बोला कि 40% जर्मन शेफर्ड के भी जीतने के चांसेस है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन याद दबाना और शेयर करना मत भूलना। अपना और अपने डॉग का ध्यान रखना। बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय।